स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर आकाशवाणी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ललित कला एवं संगीत विभाग के लगभग 75 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को गोरखपुर आकाशवाणी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। ललित कला एवं संगीत विभाग में चल रहे चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह और आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव सहित कई अन्य शिक्षक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने कहा, स्वच्छता अभियान देश भर में चलाया जा रहा है और महात्मा गांधी की ये 150वीं जयंती वर्ष शुरू हो चुका है। तो हम जब स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता सिर्फ सरकार का काम नहीं है, आम आदमी का जन जागरण कैसे हो, इसके लिए हमने स्वच्छता के संदर्भ में कला विभाग को संपर्क किया, जिसमें डॉक्टर उषा सिंह ने हमारी बहुत मदद की और हमने कला विभाग के छात्रों के बीच एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें स्वच्छता अभियान को लेकर पोस्टर बनवाए जा रहे हैं और इन पोस्टर्स में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो विजयी होंगे उनको आकाशवाणी की ओर से 15 अगस्त के दिन पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता और पुरस्कार से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि कलात्मक माध्यम से हम किसी साधारण सी बात को जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये जो पोस्टर हैं, इन पोस्टर्स को हम प्रयास करेंगे कि हम विभिन्न विभागों को, रेलवे को और ऐसी जगह जहां सार्वजनिक स्थानों पर करीब इसमें 70-80 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो उन बच्चों की कला के माध्यम से जागरूकता हो, जन जागरण हो। और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इन बच्चों के बनाए पोस्टर्स को अगर कोई पसंद करता है तो वो इन्हें और पोस्टर्स का ऑर्डर देके, पैसे देके बनवा भी सकता है। हम जब बाज़ार में किसी पेंटर से पेंट करवा के किसी माध्यम को, किसी विषय को उठाते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हैं? लगभग 75 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं।